हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले खीर जो सब बच्चों को बहुत पसंद होती है और मेरे को भी बहुत पसंद है। तो अगर आपको खीर बहुत पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक। हमें सारी ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हमें चाहिए 1.5 लीटर मिल्क, चाहिए 1/3 कप राइस, कैश्यू नट्स एंड आलमंड्स, 1/4 कप लिए हमने शुगर और ये मिल्क में। हमने ये पैकेट वाला मिल्क लिया है इसलिए हमने मिल्क में यूज कर लिया। अगर आप कोई फुल फैट मिल्क यूज करते हैं तो आप मिल्क में ना डालें। तो गाइस, अब हम हमारे मिल्क को बॉईल करने रखते हैं, फिर राइस को हम वॉश करके प्रेस करने रखते हैं। हमारे राइस को हमने हल्का दरदरा सा ये वो कर लिया, ग्राइंड कर लिया है और हम अभी हमारे जो मिल्क है वो बॉईल हो रहा है, अब हम इसे इसमें डालेंगे। एक हाथ से हम स्टर करेंगे और एक हाथ से डालेंगे, वरना इसमें बड़े बड़े लम्स आ जाएंगे। और आपको इसे 1 मिनट भी छोड़ना नहीं, इसे घुमाते रहना, इसमें स्टर करते रहना कंटिन्यूसली, और आपको 1 मिनट भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो इसमें बड़े बड़े लम्स आ जाएंगे, फिर अच्छा टेस्ट नहीं आ पाएगा। आज मेरा हैंड बहुत पेन देने वाला है। हमने हमारे खीर की राइस को हमने भिगोया नहीं था, जब हमने सूखा ही राइस को पूरा ग्राइंड कर लिया था और फिर इसमें डाल दिया था। अब हम इसमें डालेंगे, हमने ये 3 इलायची भी क्रश कर दी है और ये सारे ड्राई फ्रूट्स। जब और ये ड्राई फ्रूट्स गल जाते हैं तो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, मेरे को बहुत पसंद है। अब हम इसे 5 मिनट तक अच्छे से पकाते ही रहेंगे। फ्रेंड्स, हमारा जो मिल्क है वो अच्छे से थिक हो गया है और हमारे राइस पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून मिल्क में। अब हम डालेंगे सैफरन जो हमने हॉट मिल्क में सोक करके रखा था। हमारी जो खीर है बहुत ठीक हो गई, उसका कलर भी कितना अच्छा आ गया, अब हम इसे टेक्सचर भी बहुत अच्छा आ गया है। अब हम इसे डिश आउट कर देंगे, इसे गार्निश करते हैं हमारे ड्राई फ्रूट से। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे इस वीडियो को 1 लाख लाइक तक जरूर पहुंचा देना। अल्लाह हाफिज़, बाय।